सत श्री अकाल, मैं हाँ मनप्रीत सिंह काठपाल ते तुसी देख रहे हो अजीत वैब टीवी। खबरां दे इस बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। शुरुआत करदे हां अज दीआं खास खबरां तों। भगवंत मान दा वड्डा दावा, भाजपा वाले कर रहे ने मैनू अप्रोच। बठिंडा विच साख खान नाल पति पत्नी दी मौत, बेटे दी हालत गंभीर। मुतवाजी जत्थेदार मंड वल्लों कैप्टन तनखाहिया करार। केजरीवाल दे गढ़ च गरजिया सिद्धू, अध्यापकों ने धरने च होया शामिल। राघव चड्डा तो बाद सीएम चन्नी ने सतलुज दरिया की माइनिंग साइट ते कीती जांच। हुण इन्हां खबरां दा विस्थार ते कुछ होर अहम खबरां। आम आदमी पार्टी पंजाब दे प्रधान संसद मैंबर भगवंत मान ने भारतीय जनता पार्टी दे उत्ते पंजाब दे आगूआं दी खरीदो फरोखत करन दा दोष लाया है। मान ने कहा कि भाजपा दे एक सीनियर आगू ने पिछले दिनी उन्हां नूं पैसियां ते कैबिनेट रैंक दा लालच देण दी कोशिश कीती सी, पर उन्हां जिही पेशकश तों ना कर दित्ती। मान ने कहा कि जो विश्वास मैं पंजाब दे लोकां दे दिलां विच बनाया है, भाजपा उह विश्वास खरीदना चाहुंदी है। उन्हां कहा कि भाजपा नूं इह गलतफहमी छड्ड देनी चाहीदी है, असीं पंजाब दा सिर नहीं चुकन देवांगे, मैनूं खरीदण वाले अजे नोट नहीं बने। कि मैनू चार दिन पहला बीजेपी दे एक बहुत वड्डे नेता दा फोन आया, बहुत वड्डे नेता दा। उन्हें मैनू कहा कि मान साहब तुसी दसो बीजेपी च आउण दा की लाओगे, की रकम चाहिए है वो दस दो, जा फिर क्योंकि तुसी एमपी हो और तुसी इकलौते एमपी हो, इस करके तुहाडे ते एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हुंदा। जे तुसी बीजेपी च आ जाओ अस तुहानू कैबिनेट मंत्री बना देंगे, तो यह दस दो किहड़ा महकमा चाहिए कैबिनेट च, पोर्टफोलियो किहड़ा चाहिए सानू दसो। मैं उन्होंने कहा कि जी मैं मिशन ते हाँ, मैं कमिशन ते नहीं हैगा। मिशन ते कमिशन च कक्के दा ही फर्क हुंदा। मैं कहा वो होर होणगे जिन्हां नूं तुसीं खरीद लैंदे हो, वो नोट हजे बने नहीं जिहड़े भगवंत मान नूं खरीद सकण। बठिंडा जिले के पिंड चनारथल दे विच जहरीला साग खान दे नाल पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि उन्होंने बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है। पिंड वासियां ने दस्या कि परिवार ने घर विच लगे एक दरखत के थले बने चूल्हे ते साग बनाया सी, अते साग खान तो बाद औरत की हालत बिगड़ गई तो उसनू सिविल हस्पताल दे विच ले जाया जा रहा सी, तां रस्ते दे विच ही उसकी मौत हो गई। जबकि घर आ के देखा तो पति दे मूँह दे विचों भी झग आ रही सी, अते कुछ समय बाद उसकी भी मौत हो गई। उन्हां दे बेटे की हालत नूं देखदियां होया उसनू मोड़ मंडी दे एक निजी हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया है, जिथे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हां कहा कि जां तां साग दे विच कोई जहरीला जानवर दरखत तो थले डिग गया होवेगा, या फिर साग दे उत्ते स्प्रे कीती होवेगी, जिस दे कारण इन्हां दी मौत होई जाप रही है। पर असल कारण का पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो बाद लगेगा। मतलब पता नहीं, रात अपना साग बनाया सीगा, तो हाँ जिवें बाहर नहीं अपने घर च होंदा भी अपना दरख्त थले, हुण परमात्मा जाने भी वह भी तह तो डिग गया कुछ, ज साग च कुछ सी, ज साग से स्परे वगैरह करी सी कोई यहोजा। पहला तो वो घरवाली नूं जदों अपना जिहड़ा मुंडा द्वारे हो होया ते उन्हूं जदों हस्पताल ले गए ते वो जांदी वह तो बेचारी उत्थे रस्ते च ही हो गई, ते द्वारे जदों घरे आए उन्हूं लेके मुड़ के आ के अपना ये मुंडे उन्हूं रोटी जदों मुंडे ने रोटी खा ली डेढ़ दो घंटे मगरों, ते अद्धे घंटे मगरों उन्हूं अपना झग जी आउण लग गई, ते फिर नाल एक बेटा सीगा उन्हें भी साग खाधा सी, वो मौड़ साढ़े अपना डॉक्टर किरना हॉस्पिटल च अपना दाखिल है, तो वो कुछ ठीक है। कुत्ते भी है? नहीं कुत्ता कुछ नहीं, कुछ कुत्ते ने कुछ नहीं होया। कुत्ते ने रोटी खाधी है जी? क्यों जे तो रोटी च बगैर कुछ हुंदा
फिर तो कुत्ता भी नाल मरदा ते सरजीत सिंह दा हाँ दो दी मियां बीबी दी दोनों 50-55 साल दे सीगे गरीब घरों से वधिया बेचारे आपका टाइम पास करते दिहाड़ी करके अच्छा तो यही करते हैं भी जिहड़ा चलो जिहड़ा भाणा वरत्या उहदा होई है भी परमात्मा चाहे तो सरकार तो मांग करते हैं भी अपना कोई मुआवजा दिता जाए गरीब परिवार है। श्री अकाल तख्त साहिब के मुतवाजी जथेदार ध्यान सिंह मंड ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं तनखाहिया किराया कर दिता। सरबत खालसा के कार्यकारी जथेदार ध्यान सिंह मंड ने श्री अकाल तख्त साहिब उत्ते अरदास की जिस तों बाद यह फैसला सुनाया। बरगाड़ी मोर्चे नूं पंजाब सरकार वल्लों झूठां दा भरोसा दे के चुकवाउण दे संबंध में कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अज उन्होंने तनखाहिया ऐलानिया अते कहा जदों तक कैप्टन अमरिंदर सिंह श्री अकाल तख्त साहिब ते आ के माफ़ी नहीं मंगते उन्हां दा उदों तक सारे गुरद्वारिया साहिबान दे विच या संगत इकट्ठ दे विच उन्हां दा विरोध किया जाएगा। पंज अगवावां दे स्पष्टीकरण अते बरगाड़ी मोर्चे नूं धोखे नाल खत्म कराउण दे संबंध विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं हदायत की गई सी कि अकाल तख्त साहिब दे सन्मुख पेश हो के अपना स्पष्टीकरण करे, परंतु वार वार मौका दिते जाण उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आना वाजब नहीं समझिया, सगों एक चिट्ठी भेज के तत्थां नूं होर रूप दे के अकाल तख्त साहिब अते गुरु पंथ नूं गुमराह करन दा जतन कीता है। अज उस नूं एक आखिरी मौका दिता गया सी, परंतु कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं आया, इस करके गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी वर्गे अते अत संवेदनशील मुद्दे उत्ते चल रहे मोर्चे नूं तार पीड़ो करन दे दोष विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पूर्ण रूप विच जिम्मेवार ते दोषी समझदिआं अकाल तख्त साहिब वल्लों पुरातन चली आ रही मर्यादा अते मीरी पीरी दे सिधांतां अनुसार तनखाहिया करार दिता जांदा है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू अज वारी का वट्टा लाउंदिआं नवीं दिल्ली दे विच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहायश के बाहर दिल्ली के गैसट टीचरां वल्लों रैगूलर करन दी मंग नूं लै के लाए धरने दे विच शामिल होए। सिद्धू ने केजरीवाल ते तंज कसदिआं होया कहा कि उह होरनां सूबिआं दे विच गरंटियां देण दी थां दिल्ली दे अध्यापकां दीआं मंगां वल ध्यान देण। सिद्धू ने कहा कि आप ने ठेका अध्यापकां नूं पक्के मुलाजमां दे बराबर तनखाह देण दा वादा कीता सी, पर गैसट टीचरां दी हाजरी कारण स्थिति होर विगड़ गई है। दिल्ली के शिक्षक, अरे केजरीवाल, अरे दिल्ली के शिक्षक भैया केजरीवाल, अरे दिल्ली के शिक्षक केजरीवाल झूठे वादे, नौटंकी झूठे वादे, नौटंकी झूठे वादे, नौटंकी भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। दिल्ली के शिक्षक यहाँ है, केजरीवाल दिल्ली के शिक्षक कहाँ है, केजरीवाल कहाँ है, पीवा केजरीवाल, दिल्ली के शिक्षक यहाँ है, केजरीवाल कहाँ है, दिल्ली के शिक्षक यहाँ है, केजरीवाल कहाँ है, दिल्ली के शिक्षक यहाँ है, केजरीवाल कहाँ है, दिल्ली के शिक्षक यहाँ है, केजरीवाल दिल्ली के शिक्षक यहाँ है, दिल्ली के शिक्षक यहाँ है, दिल्ली के शिक्षक यहाँ है, वी वांट पॉलिसी, 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 पॉलिसी। पंजाब विच 2022 दीआं चोणां नूं लै के राजनीतिक माहौल गरमाउंदा होया दिखाई दे रहा है। बीते दिनी रेत माफिया नूं लै के आप दे सह इंचार्ज राघव चड्ढा ने सीएम चन्नी दे हलके चमकौर साहिब विखे रेड मारी सी, जिस तों बाद पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी एक्शन मोड विच नज़र आ गए हन। सीएम चन्नी ने
ਰੂਪਨਗਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਈਵ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰੇਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਖੱਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਬਕਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ 5.5 ਰੁਪਏ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਹ ਖਿਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੇਟ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਹੈ। 5.5 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵਿਕਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5.5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਤਾ ਵਿਕਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਰੁਪਏ ਦਰਿਆ ਤੇ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਆ ਕੋਈ ਚੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਡਾ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖਲਲ ਪਾਉਂਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਆ ਕੇ। 2-3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਥਰਾਈਜ਼ਡ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ MLA, ਸਾਡਾ ਕੋਈ MP, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੱਡ ਪਰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੇਖੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਵਪਾਰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਐਕਸਪੋਰਟਿਡ ਆਤੰਕਵਾਦ, ਇਹ ਸਾਥ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਤਾ। ਜਬ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਮੇਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਡਰੋਨ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਬੇਤੁਕੀ ਔਰ ਫਜ਼ੂਲ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸੇ ਬਾਤ ਕੇ ਲਈ 5 ਸਦਸਯ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਕਾ ਹੱਲ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਵ CM ਕੈਪਟਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਜੇ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੀਏ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੇਂ ਦੋ ਮੰਗੇ ਉਠਾਈ ਥੀ। ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰੋਂ ਕੋ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੂਲਯ ਕੋ ਲੇਕਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਸਦ ਕਾ ਸਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਜਲਦ ਸੇ ਜਲਦ ਇਸ ਮੰਗ ਕੋ ਮਾਨ ਲੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਮੁਤਾਬਿਕ LNJP ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਤੰਜਾਨੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ 17 ਲੋਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਲੋਕ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 23 ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਕਾ ਪਹਿਲਾ 5ਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਂ ਭਰਤੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਕਿਆ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਲੀਏ
कितना बड़ा खतरा इसे देख रहे हैं आप? ये जो पहला मामला हमें मिला है ये 2 तारीख को आया है और ये तंजानिया से ट्रेवल करके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से आया था हमारे पास लोकनायक में, और अभी हमारे यहाँ भर्ती है। इसको हल्के सिम्टम्स हैं, हल्का बुखार था, थोड़ा सा गले में दर्द था, थोड़ा वीकनेस इसको महसूस कर रहा था। हमने इसका सैंपल भेजा आरटीपीसीआर के लिए, क्योंकि जो शुरू में आया था तो रैट पॉजिटिव था। अभी आरटीपीसीआर दोबारा भेज के हमने इसका जीन सिक्वेंसिंग कराया जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है, और जो बाकी के पेशेंट्स थे उनमें नेगेटिव आया है। सरकारी नियमों नूं छिके टांग के फर्जी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस अते गैर कानूनी ढंग नाल गड्डियां दीआं रजिस्ट्रेशन कापियां तैयार करन दे दोषां विच फरीदकोट दे साबका सहायक आरटीए अते एक सहायक कलर्क नूं विजिलेंस विभाग ने गिरफ्तार किया है, जिन्हां वल्लों सरकारी खजाने नूं लखां रुपए की चोरी करन दा चूना लगाया गया है। इस संबंधी जानकारी दिंदे होए राजकुमार डीएसपी ने दस्या कि पड़ताल विच दोनों नूं दोषी पाया गया है, जिस तों बाद उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने दस्या कि 183 व्यक्तियों के कोलों प्रति लाइसेंस 25 तों 30 हज़ार रुपए रिश्वत लई जाती सी, उन्हां दे हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस बना के दिते जाते सन। इहदे विच जी पंजाब सरकार वल्लों जो सख्त हिदायतां दित्तियां गईयां कि भ्रिष्टाचार नूं खत्म करना है, उस दे तहत मुख डायरेक्टर विजिलेंस श्री सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय जी की रहनमई च SSP सरदार लखबीर सिंह विजिलेंस रेंज फिरोजपुर जी की देख रेख में एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिदे विच ARTA गुरनाम सिंह ते एक उन्हां दा सहायक है कलर्क अमृतपाल, उन्हां नूं इहदे विच गिरफ्तार किया गया। इन्हां दोनों कर्मचारियों ते यह दोष सी कि इन्होंने 183 हैवी लाइसेंस जिहड़े बिना किसी डाकूमेंट्स के या बिना दूसरे लाइसेंस बने दे जारी किए सी गैर कानूनी तरीके नाल, जिस दे नाल इन्होंने सरकार का जो टैक्स सी वह भी चोरी किया सी। उस तो अलावा कुछ बिना NOC दे बाहरले स्टेटां तो जो गड्डियां इत्थे रजिस्ट्रेशन होने लई आईयां सी वह इन्होंने बिना फीस दे या गैर कानूनी तरीके दे नाल उन्हां नूं रजिस्टर्ड कीता सी। इहदे विच 183 हैवी व्हीकल दे जो लाइसेंस है वह है जिहड़े असीं इनकुआरी दे दौरान जो ट्रेस कीते है, बाकी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होएगी उस दे विच होर भी जो तत्थ सामने आउणगे उह वी लैंदे जाणगे। उस तों इलावा 57 जिहड़ियां सीगियां ओह RC सी बिना NOC दे जो जारी कीतियां गईयां सी, इन्हां दोनों दे विच हैवी लाइसेंस तों 6,38,840 रुपए सरकार दा टैक्स चोरी होया, तो 57 व्हीकलों की जो रजिस्ट्रेशन की है वो 10,85,000 का इन्होंने फ्रॉड किया है, जो सरकार नूं इन्होंने सरकारी टैक्स की चोरी करके सरकार दे नाल फ्रॉड किया। टोटल इन्होंने 17,22,795 रुपए का सरकार नूं चूना लगाया जो साढ़े सामने आई है। इस तो बाद हुण जो इन्वेस्टिगेशन होर भी असीं तत्थ देखांगे कि इहदे विच होर अधिकारी कर्मचारी या होर भी जो इहदे विच इनवॉल्व होणगे वो मौके मुताबक उन्होंने खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। जिला फिरोजपुर के तलवंडी भाई विखे फिरोजपुर लुधियाना रोड से प्राइवेट कंपनी की बस के अचानक दरखत के नाल टकराने के कारण बस चालक की मौत हो गई, जबकि इस हादसे के दौरान बस के कंडक्टर समेत 7 जने मामूली जख्मी हो गए। ऐतवार को सवेरे 4:30 बजे के करीब फिरोजपुर तो लुधियाना जा रही बस का तलवंडी भाई के फन आईलैंड के नज़दीक अचानक संतुलन बिगड़ गया अते तेज रफ्तार दे नाल जा रही बस सड़क तो हेठा उतर के सफेदे दे दरखत दे नाल जा टकराई, जिस कारण बस का अगला हिस्सा सफेदे दे दरखत दे अंदर धस गया अते बस बुरी तरह नुकसानी गई, जिस दे चलदिआं बस अंदर सवार करीब 40 सवारियां विचों 5 अते बस दे कंडक्टर अते होर सहायक मामूली जख्मी होए। इस मौके ते बस का चालक अमनदीप सिंह पुत्र केवल सिंह वासी पिंड रणिया जिला मोगा मौके ते ही दम तोड़ गया। इहदे च एक बस जिहड़ी प्राइवेट कंपनी की फिरोजपुर तों लुधियाणा जा रही सी जी, ते उहदे च इत्थे सही कारण दा पता नहीं लग सकिया वी ड्राइवर नूं हार्ट अटैक होया जां नींद आई है जी। इत्थे अचानक मतलब इत्थों आ के दरख्त नाल जा टकराई है जी, इस च ड्राइवर दी जिहड़ी अमनदीप सिंह पुत्र केवल सिंह उन्हां दी डैथ हो गई है ते बाकी सवारियां नूं मामूली सट्टां हैगियां जी। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ
जिन्हां की डैथ हुई है उन्होंने परिवारक मैंबर के बयान से कानून अनुसार कार्रवाई की जा रही है। अमृतसर के हाल बाजार के बाहर एनीमल प्रोटेक्शन संस्था के वलों चाइना डोर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शहर वासियों को अपील की गई कि चाइना डोर का पूर्ण तौर पर बाइकाट किया जाए। उत्थे ही संस्था के आगू रोहित मेहरा ने पत्रकारों के नाल गलबात करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2017 चाइना डोर से पूरी तरह पाबंदी लगाई सी जिसके बावजूद भी चाइना डोर धड़ल्ले दे नाल विक रही है। उन्होंने कहा कि कई लोग हादसाग्रस्त हो जाते हैं अते पंछियों दी जानां भी इस चाइना डोर के कारण चलिया जांदियां ने। जिहड़े साडे पहला चीफ मिनिस्टर सीगे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उन्होंने इहदी मैनुफैक्चरिंग ते पूर्ण तौर पर बैन लगाया होया वा ते अज 2021 तो खत्म होने वाला है। असी देखते हैं कि हर साल ही यदि मैनुफैक्चरिंग भी हो रही है वो नाल बिक्री भी हो रही है, लोग ये पतंग भी उड़ा रहे हैं जिसके कारण जेडे बेजुबान पक्षी ने ते जेडे लोग ने वो इन्ने ज़्यादा जख्मी होंगे ने, कई की मौत होंगी है हर साल ही होंगी है। तो मैं कहांगा कि यह सरकार की नाकामी है कि मैनुफैक्चरिंग बंद होने के बावजूद भी जी यदि मैनुफैक्चरिंग जी बंद नहीं हो रही, तो सरकार की नाकामी कहांगा क्योंकि यह सरकार के ऑर्डर ने। तो तुम यह देख सकते हो 2017 की कटिंग है न्यूज़ पेपर के हमने सर्च कर लो टोटली बैन है पूरे पंजाब दे विच, बट हाले तक जी बैन नहीं हो रही। सब तो पहला तो मैं मैसेज है सोसाइटी नूं दवांगा जो साडियां सरकारां नाकाम हो जांदियां ने करप्शन के थले लग जांदियां ने ते लोकां नूं खुद जागरूक होना चाहिए इस चीज़ वास्ते, लोग उस डोर नूं ना खरीदन। इस बुलेटिन दे विच फिलहाल इन्ना ही, मैनूं दिओ इजाजत, धन्यवाद।